सो गाइज हेलो एवरीवन, एडोब फोटोशॉप CS6 के अगले वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग गाइज स्टार्ट करने वाले हैं फिजियोडाइलिक स्ट्रिंग्स। ओके सर, ये क्या बोला आपने? ओके तो मैं ना ये करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फाइल में जाते हैं, यहाँ पे न्यू पेज ले लेते हैं एंड विल टेक द 5 इंच का पेज, 3 इंच की हाइट है, रिजोल्यूशन इज 75 RGB वाइट, 8 bits है, दैट्स इट। ओके कंट्रोल प्लस फॉर जूम इन। अब गाइज यहाँ पे सबसे पहला काम है फिल्टर में जाते हैं, नॉइज़ में जाते हैं। नॉइज़ में जाने के बाद यहाँ पे ऐड नॉइज़ कर देते हैं। ऐड नॉइज़ के बाद यहाँ पे 400% ले लेते हैं फुल। अब यहाँ पे गॉशियन कैसा दिखता है? ब्लैक एंड वाइट कलर है, यूनिफॉर्म इज़ ओके, तो हम लोग लेंगे गॉशियन। फिर यहाँ पे एक इफेक्ट है मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक इज़ ब्लैक एंड वाइट, निकाल दिया तो कलर, तो हमको कलर चाहिए। ओके उसके बाद यहाँ पे फिल्टर में जाते हैं, फिल्टर में हम लोग ब्लर में जाते हैं, ब्लर 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 के अंदर अगेन गॉशियन ब्लर में जाते हैं। गॉशियन ब्लर में 21 तक जाता हूँ मैं। देखो गाइस, कम किया तो डॉट डॉट दिखेंगे, ज़्यादा लिया तो नहीं दिखेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। 21 वुड बी द साइज। ओके फिल्टर स्टाइलाइज फाइंड एजेस। इसके बाद नेक्स्ट एक स्टेप है, इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट में जाते हैं, लेवल्स के अंदर गाइस जाते हैं। लेवल्स के अंदर इनपुट में हम लोग सबसे पहले रखेंगे यहाँ पे, सबको विजिबल है हाँ, 247 वुड बी द परफेक्ट साइज। एंड इसके बाद यहाँ पे लेवल 1 रखना है, 255 सेम रखो, कोई चेंजेस नहीं। ओके करता हूँ, टैब बटन टूल साइड, एफ बटन फुल स्क्रीन, एफ बटन फुल स्क्रीन एंड कंट्रोल प्लस जूम इन। सो दिस इज फिजियोडाइलिक स्ट्रिंग्स। कैसा लगा डू कमेंट एंड बताओ मुझे। बेसिक बैकग्राउंड है ये,